राम राम जी सारे ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है, फिर तो स्वागत करूँ हूँ। जड्डा का मौसम आ गया है, सीईटी ग्रुप डी से संबंधित है बुरी बुरी खबर भी आनी शुरू होगी है भाई। 1 लाख बच्चे हैं लगभग बाहर होने की कगार पे हैं, नोजल बच्चों की टाइट हो चुकी है बुंडी तरीके से, ठीक है। डी वाले हैं सी से बाहर पका के मारे जाएंगे, 5 नंबर ने सारा का सारा रोड़ा कर दिया, यो सारा रोड़ा 5 नंबर का, हाय रे यो रोड़ा 5 नंबर का, सारा जुगरो गाना कौन सारा रोड़ा पतली कमर का, 5 नंबर का सारा रोड़ा है भाई, ठीक है। 5 नंबर ना बालका का शोषण करे आख्या जमा बूंडी डाल, देख लो के कुछ मामला है, बहुत तकड़ी तकड़ी न्यूज़ है आज की। उसका पहला भाई, अगर कोई किसी भी कंपिटेटिव अगर एग्जाम की तैयारी करने लग रहा है लाइक CGL CHSL CPO MTS सिलेक्शन फेज 11 12 जो भी है, जिसकी भी तैयारी करने लग रहा है, तो टेस्ट बुक जो ऐप है इसके ऊपर स्पेशल वर्ल्ड कप के ऊपर चक दे इंडिया सेल लगी हुई है, जो कि 17 से 19 नवंबर तक की सेल है। इसके अंदर अगर आप मात्र 269 रुपये के अंदर आपको पूरे साल का है पास मिल जाएगा टेस्ट बुक के ऊपर, मतलब आप लोग पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हर किसी भी एग्जाम के, तो मात्र 369 रुपये के अंदर ये मिल जाएगा, स्पेशल 19 तारीख तक ऑफर है। और अगर आप मेरे वाला कोड अप्लाई करो कैपिटल अक्षर में JTT, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 269, तो इस पर 10% का डिस्काउंट और लगा लो, वो भी आप लोगों को है आराम से प्रोवाइड करवा दिया, यानी 26 रुपये डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार्च को भी देखो। न्यूज खबर क्या आई आपकी, हरियाणा कर्मचारी चयन, ये तो पूरा ये तो तमाम पढ़ लिया सुबह का, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो किसी ने एलोबरेट करी को नहीं। आयोग ने है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा वेरीफाई कराया, ग्रुप डी में 1.5 लाखों के अंक है कटेंगे, इन्ना के है वेरीफिकेशन करवाई है, इन्ना ग्रुप डी की के है जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के है ना PPP है जो तारी फैमिली आई डी के माध्यम से इन्होंने वेरीफिकेशन करवाई, कोई फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं करवाई। फिजिकल वेरीफिकेशन का मतलब एक का घर जाके चेक कौन कराया, सिर्फ जो तारी फैमिली आई डी में जो डाटा था उसका हिसाब था, इन्ना वेरीफिकेशन करवाई। उसके तहत है करीबन 1.5 लाख बच्चे हैं वो ऐसे निकले जिनके 5 नंबर फेक है, मतलब उनकी इनकम 1.80 लाख से ज्यादा और उन्होंने दर्शा रखे थे हमको 5 नंबर दो, तो उनके 5 नंबर एक तो वो कटेंगे। एक और जो नई चीज जो लिकड़ की आई है वो देखो, एक और चीज बताता हूं आप लोगों को, एक जो नया परिवर्तन होया है इसके अंदर, परिवर्तन ही समाज का नियम है, एक सेकंड रुको आपको दिखाता हूं वो परिवर्तन होया के है। ये देखो भाई ग्रुप डी है, यो है शायद यो है, यो रहा, ये देखो क्या चीज देखिए, ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटेंगे, इब सियाड़े गोभी खुदई कुकर खुदगी। देखो दैनिक सवेरा ने पूछा कि जैसे ग्रुप डी उम्मीदवारों में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने वालों की वेरिफिकेशन कर ली है, बस जो ग्रुप डी वाले हैं इनकी वेरिफिकेशन होगी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स की, क्या ग्रुप सी के पास उम्मीदवारों की भी वेरिफिकेशन भी परिवार पहचान पत्र से, क्या मतलब कि ग्रुप सियाड़ा की भी वेरिफिकेशन करवाई जाओगी? तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवार एक जैसे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवार एक जैसे हैं, क्योंकि जो ग्रुप सी का में बैठे थे वो ग्रुप डी का में भी बैठे थे, मैक्सिमम बच्चे बैठे थे, तब ना बेरा है क्योंकि उन्हें सियाड़े थी तो इबे नौकरी मिली कौन, तो डी का में तो बैठेंगे, यानी जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर दिया उन्होंने ग्रुप डी का ही पेपर दिया है। लगभग 50,000 है अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने केवल ग्रुप डी का पेपर दिया, यानी जितने भी आपके क्या नाम है करीबन जैसे 8.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है, तो 8.5 लाख के अंदर समझो सिर्फ 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर नहीं दिया था, ओनली ग्रुप डी का दिया है, ठीक है। बाकी के 8 के 8 लाख बच्चे वही हैं जिन्होंने ग्रुप सी का भी दिया था और ग्रुप डी का भी दिया है। अब क्या दे रखा जिन्होंने केवल ग्रुप डी का, इसलिए ग्रुप डी के सीईटी पेपर देने वालों में से जिनकी वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र से हो चुकी है उनमें से जो ग्रुप सी के पास उम्मीदवार हैं उनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ग्रुप डी वाले रखे जाएंगे। मतलब क्या चीज बोली है इन्होंने, जैसे आप लोगों ने देखा अभी इसके अंदर क्या रखा भाई, 1.01 लाख बच्चे हैं, यानी 1.05 है, यानी इन्होंने बोलिया क्या है जो 1.05 लाख बच्चों की जो वेरिफिकेशन करवाई, मतलब 1.05 लाख बच्चे ऐसे निकले हैं जिनके पास 5 नंबर हैं वो फेक हैं, यही डाटा आपका सेम टू सेम ग्रुप सी के अंदर माना जाएगा, इन्होंने ये बोलिया है। जो डाटा आपका ग्रुप डी के अंदर जोड़ से ये 1.5 लाख बच्चे जोड़ से लिखड़े हैं ना, भाई जिनके 5 नंबर है 1.80 लाख था फैमिली आईडी, तो ऊपर का है भाई उनका सिस्टम इनकम का 1.80 तो ऊपर है और उनके 5 नंबर वो ले क्लेम कर रखे तो उनके तो ये नंबर कट गए 1.5 लाख के, तो यही सेम टू सेम डाटा सी के अंदर अप्लाई किया जाएगा। यानी कि मान लो भाई, मान लो मेरे लगा लो भाई, मैंने ग्रुप सी का पेपर दिया मान लो, ठीक है, और मैंने उसका 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं और मेरी इनकम 1.80 तो ऊपर है, और अब मान लो भाई मैंने ग्रुप डी का ही पेपर दिया है, ग्रुप डी के अंदर भी भाई मैंने वो नंबर क्लेम कर रखे हैं
है ठीक है, और मेरी इनकम वही 1.80 लाख से ऊपर है। तो अब जो ग्रुप डी का जो इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई जब मेरी, तो इनको पता लगा इसके तो 1.80 लाख से ऊपर है इनकम, तो इन्होंने मेरे ग्रुप डी के 5 नंबर काट दिए। तो अब सेम टू सेम वही चीज मेरी ग्रुप सी के अंदर भी होगी, मतलब इसी के बिहाफ पर है जो ग्रुप डी वाली वेरिफिकेशन हुई है उसी के बिहाफ पर मेरे ग्रुप सी के अंदर भी जो मैंने 5 क्लेम किए थे वो भी कट जाएंगे। अब आई बात समझ में, यानी जो ग्रुप डी में मान लो जिसके अब ग्रुप डी में 5 नंबर कटेंगे ना एक्स्ट्रा, उसके ग्रुप सी के अंदर भी कटे हुए मानने जाएंगे, ये समझ लेना। आगे बात समझ, इस लाइन का मतलब ये है, बहुत से बच्चे डाउट में थे कि भाई नो क्यों के सिस्टम है भाई के ग्रुप सी का में क्यों हुआ, तो यही वो चीज़ है भाई, उनके समझे अंक ग्रुप डी वाले रखे जाएंगे, इसलिए ग्रुप सी सीईटी का स्कोर भी संशोधित होगा, यानी ग्रुप सी है आपका जो सीईटी ग्रुप सी है उसका रिजल्ट आपका रिवाइज होगा, ग्रुप सी का जो रिजल्ट आपका वो क्या है रिवाइज किया जाएगा भाई, रिजल्ट आपका रिवाइज करवाया जाएगा साफ टू साफ, चेयरमैन साहब ने कही ये बात है, ग्रुप सी का भी है सीईटी स्कोर संशोधित होगा, मगर यह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जो सीईटी स्कोर संशोधित करेंगे ना मतलब जो चेंज करेंगे, ये जो अगर पहला जो रिजल्ट पब्लिक डोमेन के अंदर डाल दिया था कोई किसी का रिजल्ट देख सकता, वैसे नहीं किया जाएगा, सीधे उनके जो मतलब कि जैसे आप लोग अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो OTP RTP डाल के देखा करो ठीक है, वहीं से आप लोग देख सकते हो आपका स्कोर चेंज हो गया है। मान लो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, बल्कि लॉग इन आईडी के साथ उम्मीदवारी संशोधित स्कोर को देखो, इसको इस फर्क क्या पड़ेगा, अब तो ग्रुप 56 स्थानों के ऊपर भी इस हिसाब से तो खतरा मन आने लगे, जो खबर दे रखी उसके हिसाब से बताऊं, बाकी मनना भी कौन मेरा, जो खबर दे रखी उसके हिसाब से ग्रुप 56 स्थानों पर भी खतरा मन रहा हो, क्यों मन रहा है, अब इन्होंने कहा 1.5 लाख बच्चे फेक हैं जो ग्रुप डी के अंदर हैं, और वही बच्चे सेम टू सेम ग्रुप सी के अंदर भी है, यानी ग्रुप सी के अंदर लगभग कितने बच्चे पास थे, करीबन 3.5 लाख बच्चे, 3.59 लाख बच्चे थे जिनका सीईटी पास होया था, अब ये जो 3.59 लाख बच्चे हैं ना इसके अंदर से भी अप्रोक्सीमेट है करीबन 1.05 ना छोटो करीबन 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि ग्रुप डी का भी दिया था ग्रुप सी का भी दिया था, और यही क्या है ये आपके फेक 5 नंबर हैं इनके पास, मतलब इनकी इनकम 1.80 से ऊपर है, यानी कि जो 3.59 लाख इनके अंदर से करीबन अब 1 लाख बच्चे और भी ऐसे आए हैं जिनके आपके एक्स्ट्रा 5 नंबर हो काटे जाएंगे, तो वो रिजल्ट तो चेंज होगा, सीधी सी बात है रिजल्ट तो चेंज होगा, बस जो आपका रिजल्ट आया था ग्रुप सी का सीईटी प्री का वो रिजल्ट तो चेंज होगा, सिंपल सी बात है, जो 50+ है कि जिनने 5 नंबर फेंके, मान लो जो कट ऑफ लगी थी ग्रुप 56 की आपकी लगी थी 65 के ऊपर ठीक है, किसी गणे बच्चे 1 लाख बच्चे ऐसे फेंक निकल गए, तो भाई मे बी क्या पता इस कट ऑफ के अंदर भी चेंज हो जाए, मे बी चांस है भी और नहीं भी, क्योंकि भाई 3.59 लाख बच्चे हैं, जरूरी थोड़े ना भाई जितने भी टॉपर बच्चे जो मान लो 4 गुना के अंदर आए थे भाई उनके पास भी फेक हों, जरूरी तो नहीं है ना, और क्या पता हों भी, तो चांस हैं, चांस की बताने लग रहे हैं कि क्या पता है कट ऑफ 65 से 64 भी हो जाए, हो सकती है ऐसे चांस हैं, लेकिन फिलहाल कोई गारंटी नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास एग्जैक्ट डाटा या एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं आती, लेकिन जो आज अखबार के अंदर आई उसके हिसाब से मैं ये एलाबरेट कर पाने लग रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है ठीक है, और अगले सीईटी के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, नए सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के, अरे इनका पेंडा छोटा तो सारी भर्तियाँ निपटा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा नंबर की वजह से सी वाली रुक रही है, एक्स्ट्रा नंबर की वजह से डी वाली पर भी काल लूंगा सटे लग गया ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर आना है ना गोभी खोद रखी सारा सिस्टम की ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर की वजह से सरकार आई थी, एक्स्ट्रा नंबर का चक्कर में चल भी जाएगी, ये देखो भाई वैसे सरकार ना कराया तो था भाई एक अच्छे उद्देश्य से, एक अच्छे प्रयास कराया था ताकि बच्चों को जो गरीब परिवार के बच्चे उनकी हेल्प हो सके, लेकिन इसका लोग मिसयूज करने लगे भाई, करा तो था अच्छे उद्देश्य से, लेकिन इसका हर चीज़ का होता है भाई, सरकार करती है एक अच्छे उद्देश्य से लेकिन कई बार हो जाता है भाई लोग उसका मिसयूज करने लग जाए, तो वही काम होने लग गया अभी सामाजिक आर्थिक मानदंड का, मैक्सिमम बच्चे मिसयूज करें, जेनुअन जो बच्चे हैं जिनको मिलने चाहिए उनको तो मिलते ही मिलते, फालतू के भी जिनको नहीं मिलने चाहिए वो भी लेके बैठ जाओ, तो इस चीज़ का भी फर्क है पड़ने लग रहा है, तो अब देखो भाई रिजल्ट कहने लग रहे हैं 15 दिसंबर से तारा रिजल्ट भी आ जाएगा, 15 दिसंबर तक ग्रुप डी का रिजल्ट कर देंगे घोषित, बाकी भाई राम जाने और क्या हुआ, जो चीज़ थी जो मेन वो आप लोगों की बता दी है भाई, इस टाइप तक अगर रिजल्ट चेंज होता है तो ग्रुप 56 स्थान पर खतरा नेचुरल मंडरा होगा भाई, जो करिश्मा कही है ना भाई इसी ग्रुप डी के आधार पर हम ग्रुप सी का भी रिजल्ट चेंज करेंगे, जो 5 नंबर है करीबन ग्रुप डी में 1 लाख बच्चे लिखने हैं फेक 5 नंबर वाले, तो हो सकता है भाई, इन्होंने कहा ना ग्रुप डी के आधार पर ही ग्रुप सी बच्चे तो सेम है ठीक है, तो यानी ग्रुप डी में जिसके पास 5 है वही उसका ग्रुप सी वाला तो चेंज होगा भाई मामला, सारा जो कबर खोद रखी है बड़का की इस 5 नंबर ना खोद दी है ठीक है, तो भाई देखो के करेंगे सीईटी वाले, बाकी अभी तो कुछ कह नहीं सकते भाई क्या मामला है ठीक है, सारा राम राम धन्यवाद, लड़ा लड़ो खेजो फटाफट, मिलते हैं रात को 8 बजे।